जैन साथियों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है SIS में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग सेंटर से भर्ती होना चाहिए या फिर ब्रांच ऑफिस से भर्ती होना चाहिए, और दोनों में कौन बढ़िया है और कौन अच्छा है, किस में भर्ती होना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप वीडियो देख सकेंगे सबसे पहले। चलिए हम लोग अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। देखिए, SIS में भर्ती होने के दो प्रोसेस हैं, या तो आप ट्रेनिंग सेंटर से भर्ती हो सकते हैं, नहीं तो आप सीधा ब्रांच ऑफिस से भर्ती हो सकते हैं। एक्चुअली ब्रांच ऑफिस से तब भर्ती किया जाता है जब उस पर्टिकुलर ब्रांच में ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट हो जाती है, ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ जाता है, तब डायरेक्ट ब्रांच से भर्ती कर लिया जाता है। वैसे नॉर्मली ट्रेनिंग सेंटर से भर्ती होता है, ट्रेनिंग सेंटर से भर्ती हो करके वहाँ पर लोगों को ट्रेंड किया जाता है, ट्रेंड करने के बाद ट्रेंड लोगों को ब्रांच में सप्लाई किया जाता है। लेकिन इमरजेंसी केस में ट्रेनिंग सेंटर अगर उतना लड़का को, उतना सिक्योरिटी गार्ड्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है अपने थ्रू ट्रेंड करके, तो डायरेक्ट ब्रांच जो है वो इमरजेंसी केस में लोगों को भर्ती करता है, ब्रांच में ही एक दिन की ट्रेनिंग देता है और वो सीधा ज्वाइनिंग करवा देता है। ठीक है, तो आपके लिए कौन सा बेहतर विकल्प हो सकता है मैं आपके लिए बताता हूँ। अगर आप ट्रेनिंग सेंटर से करेंगे तो आपको ट्रेनिंग का अनुभव हो जाएगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं ड्यूटी में वो सब आपको ट्रेनिंग में मालूम चल जाएगा। इसके अलावा आपको एक अनुशासन के बारे में जानकारी मिल जाएगी, साथ ही जो परेड होता है, ड्रिल होता है, ड्रिल की जानकारी हो जाएगी, सावधान, विश्राम, आगे मुड़, बाएं मुड़, दाएं मुड़, पीछे मुड़, ये सब जो होता है वो सब चीज़ों को ट्रेनिंग सेंटर में सिखाया जाता है, जबकि ब्रांच में ये सब चीज़ आपको सीखने को नहीं मिलेगा। यदि आप ड्रिल सीखना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग सेंटर से भर्ती होना चाहिए और ट्रेनिंग सेंटर में आपको प्रॉपर ड्रिल सिखाया जाएगा, अनुशासन के गुण सिखाए जाएंगे और क्या क्या जो नियम होते हैं उन सभी चीज़ों को सिखाया जाएगा, जबकि ब्रांच में ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। आप ड्यूटी करते हुए भी इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ रहेंगे। यदि आप ब्रांच से डायरेक्ट भर्ती होते हैं तो मान लीजिए आपको कहीं पे सैल्यूट करना है तो आपको सैल्यूट करने का प्रॉपर कला नहीं आएगा ब्रांच वालों को, जबकि ट्रेनिंग सेंटर में सिखाया जाता है कैसे सैल्यूट मारना है। किसी ऑफिस में आप जाइएगा तो ऑफिस में किस प्रकार से सैल्यूट करना है, मतलब सैल्यूट करने का अलग अलग प्रकार होता है, ड्रिल करने का अलग अलग बहुत सारे तरीके होते हैं जो ट्रेनिंग सेंटर में सिखाया जाता है, जबकि ब्रांच में आपको सीखने को नहीं मिलेगा। इसलिए चॉइस आपकी है, आप ट्रेनिंग सेंटर से ज्वाइन कीजिए या ब्रांच से ज्वाइन कीजिए। लेकिन अभी इमरजेंसी केस में ऐसा किया जाता है कि ब्रांच से भी डायरेक्ट भर्ती कर लिया जाता है, लेकिन आने वाले कुछ समय से डायरेक्ट ब्रांच से भर्ती होना बंद हो जाएगा और सीधा ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू भर्ती होगा और ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेंड हुए बंदों को ही ब्रांच में भेजा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आया होगा, और अगर हमारा ये जानकारी पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।